हमीरपुर के सुमेरपुर में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। मीडिया के सवालों को नजरअंदाज करके सवालों से बचते दिखाई दिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। दिलाए गए याद पुराने वादे तो टाल गए बात को। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए हमीरपुर से आकाश नगायाज की रिपोर्ट। हमारे यहाँ रात रात भरम चकते हैं और पूरी जानवर फसल खा रहे हैं, अचानक कहाँ की गायें आगे मर भी रही हैं। वो परेशानी है कि हम लोग रो रहे हैं। वोट तो हमें देना है कहीं भी, हमारी ये समस्या को हल करे कहीं गौशाला नहीं बने। मीडिया तो कह रही इतने लाख इतने करोड़ आ गया, मगर कहीं भी गौशाला नहीं। अच्छा, और देखा है जब 5-6-7-8 सौ गाय हमारे यहाँ सब खड़ी है उसे, और पूरी रात रात जग जग के खेत कम से कम 400 बीघा खेत में छेके पड़े हैं हम लोग यही देवगांव हार में। आपने कहा नहीं कब कहा हुआ हम जा पाए? आपको जाने नहीं दिया? कोई किसी ने नहीं जाने दिया, वहाँ वहाँ भगा रहे हैं सब। अब जब चले गए हैं तो अब तुम ही पहुँचा दो, वहाँ तक पहुँचाना है। बनी है सैकड़ों की संख्या में गौशालाएं बन रही हैं और हर गांव में भी किसानों के पास पैसा भेजा गया है उनके गायों के समाधान के लिए। हर ब्लॉक में गायशाला बन रही है, टाउन एरिया में बन रही है, और बड़ी तेजी के साथ हो रही है। आप जानते हैं बहुत बड़ी समस्या है, इसका पूरा शत प्रतिशत समाधान में थोड़ा समय लगेगा। और जैसा कि उन्होंने बोला कि योगी जी ये काम बहुत जल्दी पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा योगी जी का वादा था कि अब रोडों में एक भी गाय नहीं दिखेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों की संख्या में गाय दिख रही है। आपको ये जानकर के इस बात की प्रसन्नता होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र या भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं वो काम शत प्रतिशत पूरा होता है। 1 किलोमीटर चलने के लिए कुछ मिनट चाहिए और 100 किलोमीटर चलने के लिए कुछ घंटे चाहिए, ये आप जानते हैं। बड़ी समस्या है, इसके लिए उसके थोड़ा समय लगेगा। समय सही बिल्कुल। और जो दो हेक्टेयर से कम छोटे किसानों को जो 6,000 रुपये मिल रहा था, अपने बुंदेलखंड में बहुत से लोग हैं, मजदूर लोग भी ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़्यादा ज़मीन है। कुछ श्रमिक ऐसे हैं हमारे, उनके पास है, अपना बुंदेलखंड है, कम उत्पादन वाला क्षेत्र है। तो ये पार्टी ने जो ये तय किया है कि सरकार बनेगी तो कोई भी किसान चाहे 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो या ज़्यादा हो, सभी के खाते में 6,000 रुपये। लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को